देखो अगर तुम्हें अपनी इमेज को पीडीएफ में भी बनाना हो तो हाउ टू मेक एन इमेज इन पीडीएफ, ठीक है, कैसे एक जो है कि चित्र को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो चित्र खुला होगा, सेव एज ऑप्शन पे जाओगे, कहाँ जाओगे, सेव एज ऑप्शन पे जाओगे, वो तुमसे पूछेगा तुम्हारी फाइल का नेम, क्या पूछेगा, फाइल का नेम, और नीचे फाइल का टाइप पूछेगा, क्या पूछेगा, फाइल का टाइप, इसी फाइल के टाइप में क्या चुन लोगे, क्या चुन लोगे, पीडीएफ, ऑटोमेटिक चुन लोगे, तो उसका फाइल नेम जो भी दोगे वो तुम्हारी फाइल किसमें सेव हो जाएगी, पीडीएफ में सेव हो जाएगी। जेपीजी में अगर सेव करना चाहते हो तो जेपीजी में कर लोगे, नहीं तो डॉट जिसका जो है पीएसडी होता है, फोटोशॉप की फाइल का नाम डॉट पीएसडी होता है, फोटोशॉप का जो एक्सटेंशन फाइल नेम है वो डॉट पीएसडी। ठीक है, तो फाइल मेन्यू में तुम्हें इतने ऑप्शंस आने चाहिए, कम से कम इतने तो आने ही चाहिए, अगर इतने आ रहे हैं तब तुम्हारे पास मच बेटर ऑपरचुनिटी है, तुम वहां कुछ कर सकते हो, इतने नहीं आ रहे हैं तब तुम बिल्कुल बेकार। टूल्स में बस केवल मैं आज एक ही टूल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है, देखो ये जो ऐसे टूल्स होंगे उसमें जो सबसे पहला जो टूल होगा यहाँ मैक्सिमम यूज है इसका, ठीक है, इस टूल को कहते हैं मर्क्यू टूल, ऐसे होगा चौकोर सा जो होता है इसको रेक्टेंगल मर्क्यू टूल, फिर एक तुम्हारा होता है एलिप्टिकल, एलिप्टिकल, ठीक है, एलिप्टिकल मर्क्यू टूल होता है, एक होता है तुम्हारा सिंगल रो मर्क्यू टूल, और एक तुम्हारा होता है सिंगल कॉलम मर्क्यू टूल, ठीक है, ये होता है सिंगल रो मर्क्यू टूल, और ये तुम्हारा होता है सिंगल कॉलम मर्क्यू टूल, तो ये चार मर्क्यू टूल है, चारों का प्रयोग सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, सिलेक्शन, ठीक है। अब देखो इसका उपयोग मैं बताता हूँ, सबसे पहले रेक्टेंगल टूल का, जैसे मान लो कोई इमेज है ठीक है, इसमें तुम्हें इतना एरिया केवल चाहिए, कितना एरिया चाहिए, इतना एरिया, तो तुम टूल्स में मर्क्यू टूल्स जो होगा उसमें मर्क्यू टूल को सिलेक्ट करोगे, और उसमें कौन सा चुनोगे, राइट क्लिक करने पर, ध्यान रखना राइट क्लिक अगर करोगे तभी जाके ये चारों खुलेंगे, वरना केवल मर्क्यू टूल में डायरेक्ट तुम्हारा रेक्टेंगल टूल ही खुलता है, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके फिर जितना तुम्हें पोर्शन सेलेक्ट करना हो उतना पोर्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा एलिप्टिकल टूल, अगर मान लो कि कोई फूल वगैरह है, फूल है और इसका बीच वाला पोर्शन चाहिए, तो अब यहाँ से तुम्हें चाहिए गोल वाला, तो यहाँ राइट क्लिक करोगे और एलिप्टिकल मर्क्यू टूल पे क्लिक करोगे, अब इसको सेलेक्ट करके और फिर इसका एरिया सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा एलिप्टिकल मर्क्यू टूल से एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। सिंगल रो मात्र केवल एक रो सेलेक्ट करनी, और सिंगल कॉलम मात्र केवल एक कॉलम सेलेक्ट करना, तो ये आज आपका मर्क्यू टूल भी समझाना था, जो कि मैंने समझा दिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, इसमें आपका आज पहला टूल समझाया गया, दैट्स नेम इज ए मर्क्यू टूल, मर्क्यू टूल के चार भेद होते हैं, चार टाइप होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं, रेक्टेंगल होता है, एलिप्टिकल होता है, सिंगल रो होता है, सिंगल कॉलम, रेक्टेंगल में चौड़ाकार जो है कि आयताकार में सेलेक्ट किया जाता है, एलिप्टिकल में गोलाकार सेलेक्ट किया जाता है, जबकि सिंगल रो में एक क्षैतिज लाइन किस तरह, और सिंगल कॉलम में एक क्षैतिज कॉलम की तरह, सिंगल कॉलम की तरह, इस तरह से सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। हमको लगता है कि आज के इतना काफी है, इट्स एनफ।